हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत जनों को पता होगा ये कि मुंह की लार से आंखों की रोशनी को कैसे लाया जाता है। आपने ये बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत जने इस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये इस इलाज को करने के लिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चीज़ से आपकी रोशनी को वापस लाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना होगा। सबसे पहली बात ये है कि ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मुँह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, यानी कि मुँह में कोई भी मुंह की बदबू नहीं आती है, मुंह में दांतों की कोई परेशानी नहीं है, या मुंह में कोई अल्सर या कुछ ब्लिस्टर भी नहीं है मुंह में, इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं, टोबैको, तंबाकू या गुटखे का सेवन करते हैं, प्लीज़ वो लोग इसको करना तो दूर, इसके बारे में सोचे भी नहीं। उन लोगों को अगर मुँह की लार, वो जो गुटखा खाने वाले अगर मुंह की लार अपने आंखों में लगाएंगे तो उनको आंखों का इन्फेक्शन तो किसी भी हालत में होना ही है। तो इसीलिए अगर आपको किसी गंदी आदत की, गलत आदत आपको नहीं है, तभी आप इस तरीके से आंखों की रोशनी ला सकते हैं। और दूसरी बात, ये तरीका आपको इतनी जल्दी नहीं आपको इफेक्ट करेगा। कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि 30 दिन, 40 दिन या 4 महीने, 5 महीने, नहीं दोस्तों, ये बहुत स्लो इफेक्ट करता है। एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तब आपको 1-1.5 साल में आपको इफेक्ट, इसका रिजल्ट नजर आएंगे। इसीलिए दोस्तों, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप काफी हेल्दी हैं, आपको मुंह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह से स्मेल नहीं आती है, दांतों की कोई परेशानी नहीं है, दांत में कोई दर्द नहीं है, मुंह में ब्लिस्टर नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तब आप इसे जरूर कीजिए। और इसको करने का सही तरीका कुछ लोग नहीं जानते हैं सही तरीका। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में आपको इसका सही तरीका बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आप जब भी ये आप करना जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन आपको सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको रात को सोने के, जब आप सोते हैं उस वक्त, तभी आपको ब्रश करनी पड़ेगी। मतलब मुंह आपको एकदम क्लीन रखना है और उसके बाद आपको कुछ भी, यहाँ तक एक सौंफ का कतरा भी नहीं खाना है। मुंह पूरी तरह से साफ करके उसके बाद आप चाहें तो पानी वगैरह पी सकते हैं, बट कुछ दूसरी लिक्विड लाइक आइसक्रीम या फिर कोई शरबत, इस तरह का कोई सेवन ना करें। पानी के अलावा कुछ और सेवन ना करें। और उसके बाद आप पूरी, जब आप पूरा मुँह साफ करके, ब्रश करके जब आप सोते हैं, तब आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है उस चीज के लिए। ये लार जब भी आप रात को सोते हैं उसके बाद, जो मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले यानी कि 5 बजे तक भी अगर आप उठेंगे, तब उस आपको सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोना है, क्योंकि आंखों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम उसे गंदे हाथ अगर आंख के अंदर डालेंगे। तो इसीलिए आप अपने, आपके भले कितने भी साफ हाथ हो, रात को आप हाथ धो के भी सोए हों तो भी आप कभी बेडशीट को हाथ लगा देते हैं या कोई पलंग को भी टच, हर जगह आप जानते हैं कि बैक्टीरियाज होते हैं। इसीलिए जब आप ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तब सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करके उसके बाद उसे पोंछना है साफ सुथरे टॉवल से, और उसके बाद हथेली पे आप थोड़ी सी लार, और लार जिस जो लार अभी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ये जब आप नींद से उठते हैं, बेड से उठते हैं, उसके बाद आपको कोई भी बात भी नहीं करनी किसी से, सीधा सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जाकर हाथ धोएंगे और मुंह से लार, जो पहला थूक होगा फर्स्ट थूक, मतलब आप वो थूक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उस किसी से बात कर लेंगे या कुछ पानी पी लिया और उसके बाद लगाएंगे तो वो थूक आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखेगा। आपको सबसे पहले हाथ धोने के बाद हथेली पे थूक लेके उसे अपने उंगलियों की सहायता से आँखों में, दोनों आँखों में इस तरह से लगाना है जैसे कि काजल लगाया जाता है, और उस
उसके बाद आपको आंख थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करना है। बंद करके आप चाहे तो सो भी सकते हैं, आप चाहे तो अपना योगा एक्सरसाइज जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और इस तरह से आपको रेगुलर इसका, अगर आप ये हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर 2-4 दिन करेंगे फिर छोड़, तो आपको ये इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। आपको इसकी एक आदत सी बनानी पड़ेगी और आपको इसको लगातार इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मुंह में, कभी कभी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं यानी कि ब्लिस्टर जैसे ऐसा हो जाता है, उस अवस्था में आप ये बिल्कुल मत कीजिए, ताकि क्योंकि ब्लिस्टर होने की वजह होती है कि मुंह में हमारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, उन दिनों में आप छोड़ देना। अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू आप करते रहेंगे, कम से कम 1-1.5 साल करते रहेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगी। यहाँ तक कि ये छोटे बच्चों के लिए भी, बहुत छोटे बच्चों से लेकर ये बुजुर्गों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने खुद इसका, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ इसका, और मेरे घर में भी किया जाता है, मेरी मम्मी भी इसका इस्तेमाल करती है। और इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको बुढ़ापे में कभी भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि रतौंधी रोग जो बुढ़ापे में अक्सर सबको हो जाता है, उसकी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका सालों साल इस्तेमाल करने से तो करते रहेंगे तभी भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको मुंह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुंह के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दांत दुखते हैं, दांतों की कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी मुंह की और कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ ये बिल्कुल नहीं कीजिए। सबसे पहले उसका इलाज कराइए, और उसके बाद ही से जब आपको लगे कि हाँ ठीक है मेरा मुंह एकदम हेल्दी है, मुंह से किसी तरह की बदबू भी नहीं आती है, तभी आप इसका कीजिए। क्योंकि वो बदबू और दांत दुखना ये सब एक तरह की बीमारियाँ होती हैं, दांतों की, मुँह की बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले आपको उन बीमारियों का इलाज करने के बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तब आप जाके ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट आपको कभी भी इतनी जल्दी फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी सुना था कि 40 दिन 30 दिन में या 1 महीने में या 4 महीने में ठीक होते, बट मेरा तो ऐसा हुआ नहीं इसीलिए। लेकिन फिर भी मुझे इस पर ट्रस्ट है, क्योंकि इससे आंखों में काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन ये तरीका आप इसी तरह से करेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको तकलीफ ही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद।